नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है उल्टी को लेकर के। देखिए इसमें समझ लीजिए दो केस होते हैं उल्टी में। पहला केस तो ये है कि आपको आपने कुछ खाना खाया और या पानी पिया या कुछ भी चीज़ आपने ली खाने के लिए पीने के लिए, और उसके आधा घंटे बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बबाद उल्टी लग गई। और ऐसा दिन में 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जितनी बार भी होता है इसमें उल्टी लग जाती है। और एक केस ऐसा होता है कि भैया आपने पानी की एक घूंट भी भरी ना, वो भी बाहर आ गई, एकदम से कड़वा सा मुंह हुआ, एकदम बाहर आ गया पानी। और बोलते कि जी जैसे एकदम से खट्टा खट्टा पानी, कड़वा पानी सा निकलता है, हरा सा पानी, पीला सा पानी ऐसा निकलता है। तो ये कारण है मेरे भाई तेजाब का, अत्यधिक हद से ज़्यादा एक्सेस मात्रा में जब आपके अंदर भाई तेजाब एसिड बन जाए तब ये कारण होता है उल्टी का। अब क्या वजह है इसकी, या तो आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, या ऐसी चीज़ जो आपने खाई है वो पच ना पाई हो, रात को आपने गरिष्ठ भोजन फास्ट फूड जंक फूड कुछ इस तरह का लिया हो, कोई ऐसी चीज़ आपने खाई हो वो दिक्कत कर जाती है। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये, पहले तो अपने खान पीन को ही सुधारें, खान पीन में थोड़ा सा सतर्क रहें। दूसरी चीज़ क्या, अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो इसमें दवाई क्या लें। तो दो केस आपको समझ में आ गए, एक तो वो केस जिसमें खाने पीने के थोड़ी देर बाद उल्टी लग रही है, एकदम नहीं लग रही है, और एक केस जिसमें खाते ही उल्टी लग रही है, पीते ही उल्टी लग रही है। तो पहला केस हम बात कर लेते हैं, अगर आपको एक घूंट पानी पीते ही उल्टी लग जाती है। बहुत सारे केस आते हैं, डॉक्टर साहब उल्टी लग रही है, और तो जब हम उनकी हिस्ट्री जानते हैं पूछते हैं कैसे उल्टी लग रही है। देखिए ये नहीं जाती दवाई दे दी जाती, हमने इंजेक्शन लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। पहले पूछते हैं ना कि भाई क्या वजह हो रही है, किस तरह की उल्टी आपको लग रही है, क्या हो रहा है, सीधी उपकाई सी तो नहीं आ रही है, उल्टी आ रही है, कितनी बार आप उल्टी कर चुके हैं, सब जांच करनी पड़ती है, जानकारी लेनी पड़ती है। तो वो कहते हैं जी कुछ भी अगर हम पानी पी रहे हैं तो खप नहीं रहा है, यानी कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उल्टी लग रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आ जाए कि पानी भी नहीं खप रहा है, तो आपको कोई दवाई नहीं दी जा सकती है, ना देसी ना आयुर्वेदिक, खाने की, ना तो आप खाने की दवाई ले सकते हैं, ना पीने की आप दवाई ले सकते हैं, आयुर्वेदिक इंग्लिश कोई भी। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं हम इंजेक्शन। इंजेक्शन का मैं आपको नाम बता देता हूं, वोमिकाइंड इंजेक्शन। और इस इंजेक्शन में होता है ओंडेंसेंट्रोन साल्ट, इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जो साल्ट है, अगर आपको वोमिकाइंड के नाम से नहीं मिलता है, मेनकाइंड की एक फेमस है, हर जगह मिल जाती है, अगर इस तरह का इंजेक्शन नहीं मिलता है तो आप जो साल्ट है जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको दिखाया है, उसे दिखा करके आप दूसरे स्टोर से या किसी भी स्टोर से ले सकते हैं। आपको मेन चीज़ क्या है, उसके अंदर साल्ट वो होना चाहिए जो मैंने बताया। तो सबसे पहले हमें इंजेक्शन लगाना होगा, वो इंजेक्शन की मात्रा जो आती है 2 ml आती है उसके अंदर, उस इंजेक्शन के अंदर 2 ml दवाई आती है आपके। तो जो एडल्ट हैं या 16 साल से ऊपर हैं उनको आप पूरा पूरा इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये इंट्रामस्कुलर भी लग सकता है, यानी कि कूल्हे पर, बाजू पर, और इंट्रावेनियस यानी नसों में भी लग सकता है। दोनों तरह से आप इसे दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह आप लगा सकते हैं इसे। सबसे पहला प्रोसीजर हमें ये होगा कि हमें वो इंजेक्शन देना होगा, और अगर कोई मात्रा कम है 10 साल से लेकर के 16 साल तक का है तो उसे लगेगा भाई अगर 10 साल से 16 साल तक की उम्र है तो उसमें आप 1 ml लगा सकते हैं, या 1 ml 1.5 ml, अगर ज़्यादा हेल्थी सा तो 1.5 ml, वरना 1 ml लग जाता है, नीचे को आधा 1 ml लग जाता है। तो ये डॉक्टर के ऊपर होता है, वो कंडीशन देखता है। देखिए मेन चीज़ क्या होता है ना, हमेशा एज नहीं होती है कि अकाउंट के भाई आप एज देख लेते हैं कितनी उम्र है तो लगा दिया, एज काउंट नहीं होती है हमेशा। कभी कभी वजन भी काउंट किया जाता है कि भाई उम्र तो है भाई 12 साल, लेकिन वजन में देख रहा है कि हट्टा कट्टा हो रहा है, तो उस कंडीशन से मिला, हमें वजन भी देखना होता है एज के साथ साथ। तो ये डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है, बट ना जो मैंने आपको बताया है वो उसी हिसाब से 16 साल से ऊपर आप 2 ml लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब उस इंजेक्शन को आप लगा देते हैं तो आपको आधा घंटा वेट करना है उस इंजेक्शन को लगाने के बाद, ना तो आपको पानी पीना है, ना आपको खाना खाना है, ना आपको कोई दवाई लेनी है। ध्यान रखें उस इंजेक्शन के लगने के बाद 1 चम्मच ही पानी नहीं पीना है। हालांकि जब इंजेक्शन लग जाएगा तो आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे, प्यास लगनी शुरू हो जाएगी, पानी आपको नहीं पीना है, भूख लगे खाना आपको नहीं खाना है, क्योंकि वो इंजेक्शन काम करा फिर वो गड़बड़ कर जाएगा। आधा घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है, उसके बाद आपको कौन सी दवाई लेनी है। इंजेक्शन ने तो काम करा तेजाब का कम करने का, अब उस तेजाब को खत्म करने का क्या काम करना है, हमें लेनी है एक टैबलेट, उसका नाम है पेरिनॉर्म। टैबलेट का नाम मैंने बता दिया है, और साल्ट मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कौन सा है, दवाई दिखा देता हूँ इसमें मैं। इसे आपको लेनी है, अगर आप 16 साल से ऊपर हैं तो आपको ये पूरी गोली लेनी है, एक गोली सुबह एक गोली शाम, उसी दिन की बात कर रहा हूँ, आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगले दिन की, उसी दिन आप ठीक हो जाएंगे, एक गोली सुबह एक गोली शाम इंजेक्शन लगने के आधा घंटे बाद। थोड़ा सा पानी लेना है ताकि वो दवाई हम ले सकें। और अगर आपकी उम्र है 10 साल से, माफ कीजिएगा, अगर आपकी उम्र है 5 साल से 16 साल के बीच में, तो आपको लेनी है आधी गोली, आधी गोली सुबह आधी गोली शाम। और अगर आप इससे कम उम्र के तो आधी से
आधी गोली आपको लेनी है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा, अगर आप किसी भी एज ग्रुप में, वो आपने समझ लिया है। अब जब आपने गोली ले ली है तो इसके भी आपको एक घंटे तक कुछ नहीं लेना है। पहले आपने इंजेक्शन लगवाया था, उसके आधा घंटे बाद आपने टैबलेट लिया है, उसके भी एक घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं लेना, क्योंकि वो तेजाब गैस दिक्कत करेगा। हम क्या गलती करते हैं, हमारी दवाई लेने के बाद खाना पीना शुरू कर देते हैं, वो फिर उल्टी लग जाती है। तो जो आपने दवाई ली भाई, कुछ काम नहीं करेगी, उसे काम करने दो, उसे काम करने दोगे तभी कुछ फ़ायदा होगा भाई। अगर सपोज करें कि प्लस्तर हाथ पर चढ़ा हुआ है और वो प्लस्तर आज कट गया 40 दिन बाद, तो क्या आप उसी दिन उसे वजन उठाना शुरू कर देंगे? नहीं भाई, धीरे धीरे उसे आप उसे एक्टिव करोगे, धीरे धीरे वजन उठाना शुरू करोगे। उसी तरह जब आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है तो भाई थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा उसे आराम दो शरीर को, तभी फायदा होगा। तो दवाई लेने के एक घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो खा सकते हैं। तो समझ लीजिएगा क्या कंडीशन बनी। और दूसरी कंडीशन आ जाती है कि अगर आपको केवल खाना खाते हैं उसके आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद, 20 मिनट बाद, 50 मिनट बाद, जब भी कभी उल्टी लगती है, यानी खाते ही नहीं लग रही है, खप, ऐसा नहीं कि खाते ही बिल्कुल एकदम बाहर आ गया, ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये पेरिनोर्म गोली जो मैंने बताई थी, केवल आपको ये ले लेनी है। 16 साल और 16 साल से ऊपर के लिए एक गोली, 5 साल से 16 साल के लोग, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी आप जिस कंडीशन को मानते हैं, उसे बड़े मान ले, बच्चे मान ले, उसमें आपको लेनी है आधी गोली, और जो 5 साल से नीचे हैं उसमें से आपको लेनी है आधी से आधी गोली, यानी 1/4 गोली। तो इससे भी आपकी उल्टी रुक जाएगी, आपको दवाई लेने के आधा या एक घंटा कम से कम आप वेट करें, एक घंटा आपको वेट करना है, उसके बाद ही आप कुछ खाएं पिएं। तो अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको उल्टी नहीं लगेगी, आपकी जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ध्यान रखें कि उल्टी किस तरह से लग रही है, और अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत होती है, फिर भी किसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे मैसेंजर पर आकर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि जितने भी मैसेज आते हैं मैं सभी को जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, धन्यवाद।